नमस्कार, मैं हूँ रीनू अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पूरे देश में हर जगह पौधारोपण किया जाएगा और पौधारोपण कर लोग उन पौधों को यों ही छोड़ देंगे। यह पौधारोपण सिर्फ दिखावे के लिए किया जाता है। जहां एक ओर वन क्षेत्र लगातार कम हो रहे हैं, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। कोरोना संक्रमण काल में लोगों को पेड़ों की और ऑक्सीजन का महत्व समझ में आने लगा है, तो लोग पौधे लगाएंगे और पौधों को पेड़ बनने तक बड़ा करेंगे, ताकि अगली पीढ़ी ऑक्सीजन की कमी से ना जूझे, ना ही भावी पीढ़ी को ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमना पड़े। जहां एक ओर लगातार वन क्षेत्र कम हो रहे हैं, वही धार में एक ऐसा पर्यावरण प्रेमी भी है जिसने अपने घर के आंगन को ही जंगल सा बना दिया है। वही घर के बाहर भी आदर्श सड़क पर तकरीबन 300 पौधों को बढ़ाकर पेड़ बना दिया है। यह पर्यावरणविद और कोई नहीं, धार के ट्राइबल विभाग के उपायुक्त ब्रजेश पांडे हैं, जिन्होंने पर्यावरण के महत्व को अपने पिता से जाना और अपने पिता के संस्कारों को अपनाते हुए अपने घर के बाहर आंगन में कई पौधों को पेड़ बना दिया है। इनके घर में प्रवेश करते ही जंगल सा एहसास होता है। वहीं इन पौधों के बीजों को रोपकर आदिवासी छात्रावासों में भी इन्होंने हजारों पेड़ लगा दिए हैं। बायोडायवर्सिटी इनके घर के आंगन में और छत पर लगे पेड़ पौधों पर नजर आती है। इन पौधों को पेड़ बनाने में इनका बेटा भी मदद करता है। पौधों की ग्राफ्टिंग कर कई रंग के फूल एक ही पौधों पर इनके छोटे से जंगल में नजर आते हैं। इनके आंगन व छत पर लगे पेड़ पौधों की गिनती नहीं है। कई बीज रोपे गए हैं, कई पौधे पेड़ बन गए हैं जिन पर फल लग रहे हैं। पेड़ पौधे जड़ी बूटी से लगाकर ऑक्सीजन प्रदाता पेड़ व सुंदर दिखने वाले पौधे भी गमलों में नजर आते हैं। फल के साथ साथ सब्जी भी उगती है इनके आंगन में। यह सब ब्रजेश पांडे खुद देखरेख में करते हैं। ग्राफ्टिंग, कटिंग, ये सब वह खुद करते हैं। कहते हैं बच्चों की तरह देखभाल करनी होती है। कितना पानी, कब, किस पौधे को, पेड़ बन को देना है, ऑर्गेनिक तरीके से पौधों की देखभाल करते हैं। इनके आंगन में लगे छोटे से जंगल में चिड़िया भी चहकती है, घोंसला भी बनाती है, भंवरे भी आते हैं, तितलियां इठलाती है। यह देख ब्रजेश पांडे कहते हैं काम की थकान दूर हो जाती है। वही अपने 12 वर्षीय बेटे राम को भी पौधे की देखभाल करना, ग्राफ्टिंग कराना, कटिंग करना सिखाते हैं। वह बताते हैं कि घर के बाहर 300 पौधे पेड़ बन चुके हैं, जिन्हें पूर्व कलेक्टर से पौधा लगवाया था, आज सब बड़े पेड़ हो गए। यह देखभाल का ही नतीजा है कि एक भी पौधे को वह मरने नहीं देते हैं। कहते हैं हमारा यह ऑक्सीजन सिलेंडर है, यह छोटा सा जंगल जो परिवार को सुकून के साथ सुरक्षा भी देता है। हर व्यक्ति को पौधे लगाकर घर में ही बड़े करना चाहिए। इसके लिए बहुत जमीन नहीं, बस जुनून होना चाहिए। दिखावा नहीं, पौधा पेड़ बने यह दिखना चाहिए। गमलों में भी घर के लिए पेड़ रूपी ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार किए जा सकते हैं। जाम, आम, संतरा, नींबू, शहतूत, करौंदा, चंदन, नीम, गिलोय, कमल, छुईमुई, रुद्राक्ष, तुलसी की कई वेराइटी, यह तो हम आपको बहुत कम बता रहे हैं। इनके यहाँ कई कैक्टस की प्रजाति, कई पौधे, अमरूद, नीम, बरगद, आंवला, पीपल और ढेरों प्रजाति के पेड़ पौधे इनके आंगन की और छत की शोभा बढ़ा रहे हैं। यदि हर व्यक्ति संक्रमण काल में ही सही पर्यावरण के प्रति जागरूक हो जाए, तो हर घर में छोटा सा जंगल ना सही, कुछ पेड़ भी बड़े हों तो प्रकृति की, पर्यावरण की सेहत सुधरेगी। ऐसे पर्यावरणविद, प्रकृति प्रेमी ब्रजेश पांडे, जो कि धार के जनजाति विभाग के मुखिया हैं, काम की कमी नहीं है, लेकिन समय को चुराकर पेड़ पौधों को समय देकर उनकी देखभाल करते हैं। और 10 सालों में उन्होंने हजारों पेड़ पौधे हॉस्टल में लगवाए हैं। वही घर को व घर के बाहर खाली पड़ी जमीन पर कई पौधों को पेड़ बना दिया है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। सर, आपके आपने अपने घर पे एक जंगल उगा रखा है पूरा,
तो किस तरह से आपको प्रेरणा मिली और किस कितने सालों की ये मेहनत है आप? प्रेरणा तो मेरे पिताजी से मुझे मिली, जो कि मुझे छोटे पर से प्रेरित करते थे पौधारोपण के लिए, घर में बगीचा बनाने के लिए। और फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया तो रुचि बढ़ती चली गई। और जैसा कि आज आप वर्तमान परिस्थिति में देख रहे हैं, कोविड की स्थिति है और सभी जगह ऑक्सीजन के लिए मारामारी है, तो आज इसकी प्रासंगिकता मुझे लगता है कि पहले से और ज़्यादा है। और आपने देखा होगा मेरे यहाँ सभी जगह लगभग पौधे ही पौधे दिखते हैं, तो इनसे एक प्रकृति के प्रति एक लगाव है। एक बचपन से जो हमारे माँ बाप ने संस्कार दिए उनका लगाव है, उनके कारण से हम लोगों की रुचि है एक बागवानी में, प्लांटेशन में, प्रकृति के प्रति प्रेम है। और मैं समझता हूँ कि आज की जो आने वाली पीढ़ी है उसको सबसे ज़्यादा अगर कोई शिक्षा देने की आवश्यकता है तो वो पर्यावरण प्रेम की है। सर, ये जो आपका कितने सालों की मेहनत का नतीजा है, पूरा जंगल लगा हुआ है आपके घर में। ये तो मैडम काफ़ी वर्षों से, जब से मैं मतलब शासकीय सेवा में हूँ, लगभग 22 वर्ष की सेवा हो गई और कुछ पौधे उससे पहले के भी हैं मेरे पास, तो लगभग 25 से 30 वर्ष पुराने पौधे हैं मेरे पास। एक तरफ आप जॉब करते हैं, दूसरी तरफ आप इतना पौधों की देखभाल कैसे कर लेते हैं? जो भी कार्यालय समय के बाद जो भी खाली समय मिलता है, परिवार के अलावा बाकी बागवानी का ही मुझे शौक़ है, तो मैं पूरा समय इसी में व्यतीत करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें। सर, एक तरफ लोग जंगल काट रहे हैं, एक तरफ आप जंगल लगा रहे हैं, तो क्या कहेंगे, कोई संदेश भी देना चाहेंगे? संदेश तो वर्तमान में जैसा मैंने कहा कि कोविड के समय में संदेश देने की आवश्यकता नहीं है, अब खुद ही लोग समझ रहे हैं कि प्रकृति की कितनी ज़रूरत है, पौधारोपण की कितनी ज़रूरत है और पर्यावरण की कितनी आवश्यकता है। आज आप देख रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट के लिए मारामारी हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी हो रही है। और मैं समझता हूँ जैसा ऑक्सीजन प्लांट आप मेरे यहाँ देख रहे हैं हरा भरा, ऐसा अगर ऑक्सीजन प्लांट सभी लोग लगाएं तो आज हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। ब्रजेश चंद्र पांडे, असिस्टेंट कमिश्नर, आदिवासी विकास विभाग, जिला धार।